गगन से रंग उठाकर धनक बनाएंगे, गगन से रंग उठाकर धनक बनाएंगे, कलम की नोक पे दुनिया नहीं बसाएंगे। गगन से रंग उठाकर धनक बनाएंगे, कलम की नोक पे दुनिया नहीं बसाएंगे। मिटा दो नाम हमारा लगा के तदबीरें, तदबीरें युक्तियां। मिटा दो नाम हमारा लगा के तदबीरें, शजर की शक्ल में दुनिया को याद आएंगे। मिटा दो नाम हमारा लगा के तदबीरें, शजर की शक्ल में दुनिया को याद आएंगे। ये शेर आप सभी साहित्यकारों की नज़र के, वो शेर जिनको अभी तोहमतों ने घेरा है, वो शेर जिनको अभी तोहमतों ने घेरा है, वो शेर देखना एक रोज कह ढाएंगे। वो शेर जिनको अभी, बहुत शुक्रिया, वो शेर जिनको अभी तोहमतों ने घेरा है, वो शेर देखना एक रोज कह ढाएंगे। बहुत यकीन न करिए हमारे होने का, बहुत यकीन न करिए हमारे होने का, खुदा की तरह कभी काम नहीं है। बहुत यकीन न करिए हमारे होने का, खुदा की तरह कभी काम नहीं आएंगे। और शेरे आखिर एक इस्तेमाल है कि मयंक है जो समझता है सारी बातों को, मयंक है जो समझता है सारी बातों को, हम ऐसे दोस्त से आंसू नहीं छुपाएंगे। गगन की, गगन से रंग उठाकर धनक बनाएंगे। मतलब कुछ शेर देखें कि पहले आंखें खोलता हूं, गौतम में स्वागत है। पहले आंखें खोलता हूं आईना देता हूं मैं, पहले आंखें खोलता हूं आईना देता हूं मैं, फिर सभी को सोचने का दायरा देता हूं मैं। पहले आंखें खोलता हूं आईना देता हूं मैं, फिर सभी को सोचने का दायरा देता हूं मैं। जिंदगी को देखने का एक फन है शायरी, जिंदगी को देखने का एक फन है शायरी, रोज इस फन को नया एक जाविया देता हूं मैं। रोज इस फन को नया एक जाविया देता हूं मैं। झूठ कहने का हुनर आया नहीं सो हर दफा, झूठ कहने का हुनर आया नहीं सो हर दफा, हाल पूछे जब कोई तो मुस्कुरा देता हूँ, हाल पूछे जब कोई तो मुस्कुरा देता हूँ मैं। और हाथ फैलाकर कोई जब सामने आता है तो, हालते हाजिर के नजर के, हाथ फैलाकर कोई जब सामने आता है तो, कुछ नहीं करता हूँ केवल मशवरा देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ केवल मशवरा देता हूँ मैं। और वक्त ज़ाया क्यों करूँ मैं ये दलीलें क्यों सुनूं, वक्त ज़ाया क्यों करूँ मैं ये दलीलें क्यों सुनूं, यूं करो बैठो कि सीधे फैसला देता हूँ, यूं करो बैठो कि सीधे फैसला देता हूँ मैं। कुछ शेर आप सबकी, आप सबके मिजाज के देखें कि सबके हंसी, सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे, सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे, हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे। सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे, हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे। वैसे तो नौकरी का कोई शौक नहीं है, शिवांशु भी आपकी नजर, वैसे तो नौकरी का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम हालतन तलबगार बनेंगे। वैसे तो नौकरी का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम हालतन तलबगार बनेंगे। तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं, तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं, जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे। बहुत शुक्रिया। तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं, जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे। बहुत शुक्रिया भैया। बच्चों को ये शेर देखें बतौर खास कि बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका, बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका, ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे, ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे। शेर आखिर और सबसे ज़रूरी शेर के, कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नियों को और, कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नियों को और, दुनिया के सामने ये समझदार बनेंगे।
बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से कुछ शेर, फिर आप एक नज़्म पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगा। एक बिना मतलब के कुछ शेर हैं, देखें कि जब तलक हैं साथ हम तुम तब तलक तो खुश रहें, जब तलक हैं साथ हम तुम तब तलक तो खुश रहें, बात फिर गम के खुशी के सब मानी एक हैं, और मजहबी आयाम से ऊपर है जिनकी शख्सियत, मजहबी आयाम से ऊपर है जिनकी शख्सियत, इश्क की ये बागबानी रामबानी एक हैं, इश्क की ये बागबानी रामबानी एक हैं, और साफ गोई टूटना फिर उम्र भर का चीखना, साफ गोई टूटना फिर उम्र भर का चीखना, यार शीशा और मैं हम खानदानी एक हैं, यार शीशा और मैं हम खानदानी एक हैं, और तल्ख लहजे वालों से मैं पूछता हूँ बोलिए, तल्ख लहजे वालों से मैं पूछता हूँ बोलिए, बदतमीजी आपकी और सच बयानी एक हैं, बदतमीजी आपकी और सच बयानी एक हैं। और गज़ल का आखिरी शेर है, आप सब शायरों की नज़र, सब साहित्यकारों की नज़र, सब साहित्य प्रेमियों की नज़र, कि तब की वहशत की नज़र से देखकर समझेंगे आप, तब की वहशत की नज़र से देखकर समझेंगे आप, एक आशिक एक शायर और ध्यानी एक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत अच्छा सुना। कुछ मैं अपना सुनाना चाहता हूँ, एक आखिरी नज्म है अगर इजाज़त हो तो भैया। अपनी हकीकत भैया, एक ज़रूरी नज़्म है, वो मैं उसके साथ फिर विदा चाहूँगा। ऐसे माहौल में थोड़ा सा और आप सबको गर्माहट महसूस होगी अगर, तो मुझ तक ज़रूर आप पहुँचाएँ अपनी ये गर्माहट। नज़्म का उनवान है मेरा जहान और मैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करें, मुझे कोई तालियों की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से आप सब सुने, मुझे अच्छा लगेगा। मैं जिस जहान में हूँ उस एक जहान में मैं, रहता नहीं हूँ अक्सर अपने मकान में मैं, मैं जिस जहान में हूँ उस एक जहान में मैं, रहता नहीं हूँ अक्सर अपने मकान में मैं, वो एक मकान की जिसमें हो कैद चंद रूहें, वो एक मकान की जिसमें हो कैद चंद रूहें, वो एक मकान की जिसमें कुछ ख्वाहिशें बंधी हूँ, वो एक मकान की जिसका इकलौता मकी मैं हूँ, वो एक मकान की जिसमें इकलौता मकी मैं हूँ, वो एक मकान असल में है कुछ भी नहीं मैं हूँ, वो मैं जो एक मकान है वो इस जहान का है, वो मैं जो एक मकान है वो इस जहान का है, वो मैं जो एक मकी है वो किस जहान का है, ये सोचने पे मुझको मालूम ये हुआ है कि साथ उस मकी के एक हादसा हुआ है, ये सोचने पे मुझको मालूम ये हुआ है कि साथ उस मकी के एक हादसा हुआ है, एक हादसा जो लहरों की चाल चल रहा था, जो मेरी ज़िंदगी में धीमे से ढल रहा था, यानी वो जहाँ मेरा है मैं हूँ उस जहाँ का, यानी वो जहाँ मेरा है मैं हूँ उस जहाँ का, जिसमें बिना रहे मैं जीता हूँ हमेशा से, यानी वो जहाँ मेरा है मैं हूँ उस जहाँ का, जिसमें बिना रहे मैं जीता हूँ हमेशा से, जिसमें तमाम रूहें आज़ाद घूमती हूँ, जिसमें तमाम रूहें आज़ाद घूमती हूँ, जो ख्वाहिशों की खातिर राहें तलाशती हूँ, यानी कि इस जहाँ में जिसमें मैं रह रहा हूँ, रहने के सिवा दूजा कुछ वास्ता नहीं है, कुछ बंदिशें हैं मुझ पर, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इनके अलावा रिश्तों की चंद क्यारियाँ हैं, माँ बाप हैं जिन्होंने रुख मोड़ते कहा था, माँ बाप हैं जिन्होंने रुख मोड़ते कहा था, मुझ पर यकीन करके घर छोड़ते कहा था, सब देखना ये एक दिन लाएगा ऐसा मंजर, खुशियाँ उगेंगी उन पर जो हैं ज़मीन बंजर, मैं कौन हूँ जो उनकी खुशियों पे दाग छोड़ूं, मैं कौन हूँ जो उनकी खुशियों पे दाग छोड़ूं, जिन्होंने मेरी खातिर हर गम गले लगाया, फिर अपने लिए कैसे उन सबको छोड़ दूं मैं, जिन्होंने खुद ही जलकर मुझको दिया बनाया, सो मैंने इस मकी से एक अहद कर लिया फिर, सो मैंने इस मकी से एक अहद कर लिया फिर, रहना है इस मकाम में ये साथ तय किया फिर, तब से मैं ज़िम्मेदारियों के साथ चल रहा हूँ, यानी ज़रूरतों के सांचे में ढल रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।